मॉर्निंग। आइए हम कर रहे थे हिंदी का पार्ट 4 वेल। ओके, वेल क्या है? एक प्रकार की मछली है। कैसी मछली है? छोटी मछली नहीं, विशालकाय मछली जो सभी जीवों से बहुत बड़ी है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? कितना होता है? हाथी से भी कई गुना ज़्यादा होता है। इसकी लंबाई 125 से फिट है। ठीक, तो चलिए आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। शब्दार्थ तक हमने आप लोगों को करवा दिया था। आइए देखें का क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न। मौखिक मतलब ओरल, है ना, ओरल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जल और थल के सभी जीवों में सबसे विशाल जीव किसे माना जाता है? तो ये हम किससे क्वेश्चन बनाए हैं? बुक के अंदर से ही क्वेश्चन बना है, जो हमने आपको बुक की रीडिंग करवाई है ना, तो उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि आंसर क्या आ सकता है। जल और थल के सभी जीवों में सबसे विशाल जीव किसे माना जाता है? वेल फिश को। ठीक है, या वेल मछली। तो आंसर क्या आएगा इसको? जल और थल के सभी जीवों में सबसे विशाल जीव वेल मछली को माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल किसकी मदद से सांस लेती है? फेफड़ों की मदद से? नहीं, फेफड़े तो कौन लेते हैं? फेफड़ों से सांस कौन लेती है? अन्य मछलियां लेती हैं, जो छोटी मछलियां होती हैं वो लेती हैं, है ना। लेकिन जो वेल होती है वो सांस किससे लेती है? अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। तो आंसर क्या आया? वेल अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, वेल का चेहरा किससे मिलता है? वेल का चेहरा मछली से मिलता है, मछलियों से मिलता है, मछली से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या था? अपना मौखिक प्रश्न था। तो ये आपको याद रहना चाहिए मौखिक प्रश्न, है ना। और भी क्वेश्चन इसमें आप दूर के लेके आएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन इसके ओरल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, है ना। अब खा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, ठंडे पानी में तैरते समय वेल को ठंड क्यों नहीं लगती? सेकंड, वेल क्या, कितना और कैसे खाती है? नेक्स्ट है, वेल तथा उसके बच्चे के आकार प्रकार के बारे में बताइए। तो आइए इसके हम आंसर देखते हैं। ठंडे पानी में तैरते समय वेल को ठंड क्यों नहीं लगती है? तो आंसर है, ठंडे पानी में तैरते समय वेल को ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि वेल की खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है जिसे वेल पर ठंडे पानी का असर नहीं होता है। ठीक है, क्या आंसर है? ठंडे पानी में तैरते समय वेल को ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि वेल की जो खाल होती है, खाल के नीचे की जो चर्बी होती है वो बहुत मोटी तह वाली होती है, इसलिए उन्हें ठंडे पानी में ठंडे पानी का एहसास नहीं होता है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वेल क्या है, कितना है, कितना और कैसे खाती है? आंसर है, वेल छोटी बड़ी मछलियों तथा समुद्र में पलने वाले कई प्रकार की मछलियाँ और जीव जंतुओं को खाती हैं। वेल रोज़ाना लगभग 1 टन मछलियाँ निकल जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल तथा उसके बच्चे के आकार प्रकार के बारे में बताइए। तो इसका आंसर है, वेल मछलियाँ मछली थल और जल में पाए जाने वाले जीवों में सबसे बड़ी होती हैं। इसका वजन हाथी से कई गुना भारी होता है तथा इसकी लंबाई 100 से 125 फुट तक होती है तथा इसके बच्चे का वजन हाथी के बराबर होता है। तो यहाँ हमने देखा इनके प्रश्नोत्तरों को, है ना। तो आप लोगों को भी इनके प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, और इसी तरह से सुंदर राइटिंग से आपको लिखना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है।
ओके, तो आप लोगों को कॉपी में शब्दार्थ और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये दो क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ये होमवर्क है आपका। ओके स्टूडेंट।